गाइस, तो आपको हमें एक नई खबर देनी है। ये हमारा भाई, ये अभिषेक भाई आज नाच चुका है। इसे देखो, आज हमने ये सुबह सुबह नाच गया, इसलिए आज हम सब लोग बालाजी जा रहे हैं। खास इसकी बुद्धि ऐसे ही रहे, ये मतलब पिछले जो अभी दिवाली गई है तब से अब नहा है आके। तो आज हम सब लोग जा रहे हैं बालाजी, इसी के घर पे बैठे हुए अब इसे ले जाएंगे। चलो ठीक है, बाय टाटा गाइस। अब हम सब जा रहे हैं अपने अपने घर नहाने। और चाचा चल रहा है कि नहीं चल रहा? चले चले चले, चाचा भी जा रहा है। अब हम सब लोग जा रहे हैं नहाने, उसके बाद अभिषेक को आज ले जाते हैं बालाजी। वैसे आज ग्रेड बढ़ रहा है तो शायद मंदिर बंद होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं जाके। तो अब हम सब लोग आ चुके हैं नहा धो के, अब हम जा रहे हैं। रेडी तो हो गए हम, ठीक ही लग रहा है, लेकिन चलो हमारे गोपाल चाचा जग चाचा को लेने चल रहा है आज, वो भी हमारे साथ शामिल है। देखना हमारे साथ जाने के बाद उसके घर पे क्या होगा। हम लौटेंगे शाम को। आज तो गोपाल चाचा बुरा। हम लोग जा चुके हैं, निकल चुके हैं, और जिसके लिए हम जा रहे थे बालाजी मंदिर, वो खुद नहीं आया है, वो अपनी मम्मी को लेके जा रहा है कहीं। सुबह कहीं का कुत्ता भंगी जवान, और हमारे एक दोस्त पीछे इस बाइक में आ नहीं पाया, हमारे घरों में वो पीछे आ रहा है। और दोस्त देखो भाई, हमारे दोस्त भी कितने अच्छे हो गए, तो चलते हैं। लेट्स गो भाई। अपनी अपनी हम चलते जा रहे हैं। ये सुखावत नहीं आया है, देखो गाइस। स्कॉर्पियो कहते हैं इसे, बाइक कहते हैं इसे, सुनाटी कहते हैं इसे, टम्पू कहते हैं इसे, उई उई वाली बत्ती कहते हैं, और इसे ट्रक कहते हैं। इसके सामने आने से सबकी मार छुट जाती है। ये हमारे आगे रोडों पे बसे हुए गांव, और इसे ट्री कहते हैं। इस लोड़े को एक भी सवारी नहीं मिली, इसलिए खाली जा रहा है। चलो तो गाइस, दूसरी बाइक हमारे पास आ चुकी है और हम निकल चुके हैं शुकावाद के लिए। पीछे एक हमारी बाइक चल रही है, एक हमारी बाइक ये पीछे आ रही है, एक पे हम हैं। और ये हमारे यहाँ की जो अभी सामने जो पड़ने वाली है काली गाय है, इसका कलर देखो डाउन भी हो रहा है, वाइट से ब्लैक हो गई है। गाइस हम आ चुके हैं फिल्टर पे। ये हमारे यहाँ का फिल्टर है, लाजवाब है भैया। ऐसी में फुल टंकी कर दी हो, बंद कर दो। गाइस हम आ चुके हैं एटा चौराहे पे, और यहाँ की पब्लिक देखो, ये भैंस है, ये सफेद हो चुकी है, ये लौड़े लौड़े। और ये हमारे साथ का लौड़ू बहुत तेज बाइक चलाता है, मतलब इतनी तेज चलाता है कि 40 से ऊपर नहीं जाती है। और ये हमारी यहाँ की सस्ती टिल्ली। एटा चौराहे पे आ चुके हैं, हमारा एक चुतिया और खड़ा हुआ है यहाँ पे, हमारा एक साथी और खड़ा है, मतलब हमारा चाचा है, मगर देखने में भतीजा लगता है। अभी हम आपको दिखाएंगे उसे, उसको भी देख लेना आप, बंद रहते। ये भागता हुआ आ रहा है, इसे हम दसरा नहीं छोड़ा है, आ गया। हाँ इतनी रुपये पेटी भी खा ली, देखो ये बुक्कड़। हम आ चुके हैं बाजार में, यहाँ पे देखो खड़े होने की जगह नहीं है, मतलब बाइक तो निकल रही है, खड़े होने की जगह नहीं है, खड़े नहीं होने देते ना यहाँ पे लोग। और ये हमारा शुभाबाद का बाजार है, काफी भीड़ रहती है, मतलब सुबह का टाइम है इस टाइम, अभी बाजार पूरा हो गई है, ज्यादा बड़ा नहीं है, अभी ज्यादा भीड़ नहीं है ना यहाँ, मतलब दिन में हो जाती है, काफी भीड़ हो जाती है यहाँ। ये हमारे यहाँ का मेन बाजार है, मतलब पतली गली, जिस जगह इंसान ना निकल पाए उस जगह बाजार है।
काफी भीड़ रहती है यहाँ भी। मतलब अभी सुबह के टाइम पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं यहाँ। दुकान वाले देख रहे हैं जैसे हम इनके यहाँ से कुछ लेने आए हैं। उन्हें क्या पता जिम में कुछ नहीं है। वो आए भाई साढ़ बाबा। हमारे यहाँ की गाय आ चुकी है। ये गाय है बहुत होशियार हो। देखो ये जल्दी में है, ये हमारे साथ का जल्दी में। अगर इसने उड़ भी मार दिया ना तो ये साले हॉस्पिटल में रहेंगे 3 दिन, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा ये वेट नहीं कर सकते ना। हेलो, ये तू बाजार हुआ? यही हूँ बाजार में मैं सुखावत। आप कहाँ हो? हम तो डिलाइट ही आ गए। कितनी ज्यादा भीड़ है अभी। देखो सुबह के टाइम में भी भीड़ है। आज लोग बंक कर करके आ रहे हैं। स्कूल की छुट्टी है फिर भी बहाना बना के स्कूल के बच्चे घूम रहे हैं। वैसे भाई की गर्लफ्रेंड बैठी है इनके इंतजार में। दीपक है ब्लॉक है ब्लॉक। इसकी शानदार जगह है ये। और ये हमारे बड़े भाई यही ब्लॉक बना रहे हैं। ओके सर।
आज हमारे साथ अभिषेक नहीं आ पाया तो बालाजी हम कैंसिल कर रहे हैं। आज हम अपना तुया मंदिर दिखाते हैं शुभाबाद का। जैसे बोलते हैं कि कुछ भी मांगो वहाँ मिलता है, लेकिन अपनी चीजें मांगी थी अभी तक नहीं मिली। ठीक है गाइस, तो दिखाते हैं आपको तुया मंदिर। वो हमारे पीछे आ रहा है, हमारा साथ का साथी पीछे है, ज्यादा दूर नहीं है। अभिषेक के कारण हम बालाजी नहीं गए हैं और उसी की वजह से प्लान बना था। हमारा साथ का साथी है, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है यहाँ से। आने वाले हम चुके हैं, वहाँ पे बंक करके लोग बहुत जाते हैं, स्कूल के लोग पूरे बंक कर देंगे और वहाँ पे टाइम इतना स्पेंड करते हैं, मतलब ये मान लो वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम कटता है। देख सकते हो गाइस, मतलब भाई रास्ता भूल गए, सीधे लेना यहाँ से थोड़ा ही दूर रह गया है, बस एक गली छोड़ के हम पहुंचने वाले हैं अपने मंदिर, अपने ठिकाने पे। ठिकाने पे हम लोग पहुंच चुके हैं, वो सामने दिख रहा है ना वही मंदिर है, मंदिर जहाँ पे हमने भी बहुत टाइम बिताया है, मतलब बंक करके ही आते थे, घर तो जाने से रहे बंक। हाँ। और ये वीडियो इनके पापा ने देख ली, फिर देखते क्या होगा, जूता पड़ेगा और क्या होगा। आज सब स्कूलों की छुट्टी है तो यहाँ पे कोई होगा नहीं, बच्चे होंगे नहीं यहाँ, किसी दिन आएंगे आपको दिखाएंगे ये पूरा मंदिर है। ये ब्लूमिंग वर्ल्ड स्कूल है, ये स्कूल है, ये मंदिर है, दिखा दे। ये यहाँ पे रूम बुक होते हैं, चल घूम के आगे सामने मंदिर है। मंदिर बाबा भी जा नहीं सकते, सीधी गए, अभी मंदिर में जा नहीं सकते क्योंकि आज ग्रहण पड़ रहा है और पूजा हो नहीं रही है। तो हमने अभी आपको बाहर से दिखा दिया, हमारा प्लान था कि हम बालाजी आएंगे तो आपको पूरा घुमाएंगे। बालाजी से प्रसिद्ध मंदिर सुखाबाद में कोई नहीं है और आसपास के इलाकों में बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, लेकिन पहली बात तो अभिषेक नहीं आया हमारे साथ और दूसरा कि वो सही नहीं आया क्योंकि आज ग्रहण पड़ा, हमें यहाँ आके पता हुई कि सारे मंदिर बंद हैं। तो अब क्या वापिस चल रहा है, आज ग्रहण पड़ रहा है, हमें पता नहीं था आज का, ना कोई फायदा ना हुआ, ये अपनी बाइक से मिल दिया बस। तो अब हम चल रहे हैं वापिस घर पर, आज का पूरा दिन पता नहीं हमने क्या किया, हमें कुछ नहीं पता। आज मंदिर आने का कारण था, मतलब ये है कि घर वालों ने मना कर दिया है कि मंदिर नहीं जाओगे, ग्रहण पड़ने की वजह से सब बेकार हो गया, हमारा ब्लॉग ही पूरा, अब पूछो मत, गालियां पड़ेंगी। मैं भाई स्मार्ट तो हूँ वैसे, बस एक यही गलतफहमी, इसको बहुत बड़ी नहीं, ये गलतफहमी नहीं है भाई, चलो बस ये गलतफहमी नहीं है, मैं स्मार्ट हूँ, बताइए मैं स्मार्ट हूँ ना, चले गाइस देख सकते हो, देख सकते हो ये भाई हमारे लम की गांड फट रही है और धक्का मारने की नौबत आ चुकी है, धक्का मार रहा है, आ चुके हैं हम अपने शहर, पहले भी देखा धक्का मार रहे, देख सकते हो गाइस कितनी मेहनत लग रही है, कितनी हम ब्लॉग बनाने में इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक दबाने में मेहनत नहीं कर सकते क्या, आपको बड़ा मेहनत लगती है एक लाइक करने में। पेट्रोल डलवा लिया गाइस हमने, लेकिन जली सिर्फ 40 रुपए की है, ये वाली बाइक हम खड़ा करेंगे तब तक धक्का ही मार के ले चलना, दसरा तो पहुंच ही जाएंगे। लोगों ने इतनी मेहनत की, हमारी बाइक खराब हो चुकी है और अब इसको धक्का मार के हम ले जा रहे हैं मिस्त्री के पास, झूठ नहीं बोलते, पेट्रोल खत्म पेट्रोल खत्म हो जाती तो गाइस आपने देखा था रास्ते में फिर था हमारे वहाँ पे भी नहीं। मैंने बताया वो ठीक बात है और नहीं मानना, अभी देखो ये खड़ी होगी, अभी उसी में जाएंगे, पेट्रोल डल चुकी है, बस थोड़ा 40 रुपए ले लीजिए कम, ये सब पे पैसे नहीं थे, मैंने दिए नहीं, सब पे पैसे नहीं थे, खाओ भैया खाओ।
लगातार धक्का मारते जा रहे हैं, लगातार लगातार मेहनत चल रही है।